प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, मैं तेलंगाना के अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। कांग्रेस का मतगणना अभिकर्ता कार्यक्रम, मतगणना अभिकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण, 33 जिला मुख्यालयों में दिया जाएगा ट्रेनिंग, प्रदेश के मास्टर ट्रेनरों को सौंपी गई है इसकी जिम्मेदारी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की है, प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे, मतगणना परिणाम आयोग के सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जाएगा, प्रत्येक चरण के बाद मतगणना परिणाम अपडेट होगा, सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के बीजेपी कांग्रेस को टिकट नहीं मिलने वाले विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, 1 दिसंबर से 24 विधायकों को सरकारी सुविधा से वंचित किया जाएगा, कांग्रेस के 22 विधायक और बीजेपी के 2 विधायकों को सुविधा नहीं मिलेगी, 4 विधायकों का आवास और 20 विधायकों का आवास भत्ता भी बंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारत और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देखेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वो मैच का आनंद लेंगे, 90 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त मौजूद रहेंगे, प्रत्याशियों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया गया। भोपाल के वल्लभ भवन में मुख्य सचिव का विदाई कार्यक्रम, सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएस इकबाल सिंह, नवनियुक्त सीएस वीरा राणा उपस्थित, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन का बयान आया है, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कुछ भी बयान देते हैं, बालाघाट मामले पर कहा निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, दिग्विजय सिंह जब किसी मामले को लेकर आरोप लगाने लगे तो समझ जाओ कि वो हार का ठीकरा दूसरी चीजों पर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजापुर में पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया, हत्या और आगजनी की घटना में वो शामिल रहा, नक्सली जनताना सरकार का अध्यक्ष था, कुटरू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जबलपुर में शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी, नगर निगम के लालपुर के 44 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में सुधार का कार्य होना है, जिसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर बदलने का कार्य भी किया जाएगा। महू में भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो वायरल हुआ, शराब की बोतल के साथ झूमते नजर आए नेता, कार में गाना चलाकर शराब के नशे में दिखे I24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में कार सवार 3 लड़कियां हादसे में गंभीर रूप से हुई हैं घायल, इलाज जारी, तीनों लड़कियां हमीदिया हॉस्टल में PG की छात्रा बताई जा रही हैं। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सर्दी बुखार जुकाम फेफड़ों में जलन जैसे मामलों में कोरोना जैसी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए, सभी अस्पतालों को जरूरी सामान की व्यवस्था, स्टाफ, अस्पताल, बेड, जांच संबंधी सुविधा, दवाओं के स्टॉक रखने को कहा गया। सारंगढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 पोकलेन मशीन किया गया जब्त, कलेक्टर फरीहा आलम के निर्देश पर लिया गया एक्शन, गुड़ेली, सरसरा, लाल घुरवा में हो रहा था अवैध उत्खनन, कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप। बिलाईगढ़ में नकली नोट देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 आरोपी फरार हैं, 15 लाख नकली नोट देने के नाम पर ठगी की गई, आरोपियों से नकली नोट बनाने का सामान जब्त हुआ। इंदौर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, ड्रग्स की तस्करी करने की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपी के कब्जे से 1 लाख की ब्राउन शुगर हुई बरामद, आजाद नगर क्षेत्र का मामला। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के चलते रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रोड मैप, शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों को नो एंट्री, शराब, माचिस, लाइटर, पटाखे पर प्रतिबंध लगाया, भड़काऊ और संकट पैदा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जशपुर में पुलिस की लापरवाही आई सामने, उड़ीसा की धान का छत्तीसगढ़ में प्रवेश, सीमा में चेक पोस्ट लगने के बाद भी धान छत्तीसगढ़ में पहुंची है, मुखबिर की सूचना पर खाद्य अधिकारी ने वाहन को जब्त किया, वहीं 25 क्विंटल अवैध धान की जब्ती की गई है। सख्ती में अवैध रूप से बनाई गई सड़क पर वन विभाग का बुलडोजर चला, सड़क के दोनों ओर से खुदाई कर ब्लॉक किया गया, पेड़ों की कटाई करके बिना अनुमति के सड़क बनाई गई थी, जयपुर ब्लॉक के छीता पड़रिया वन भूमि का मामला। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने जहर पिलाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कटनी जिले के थाना इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग आदिवासी के साथ आरोपी ने मारपीट की और जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता नाबालिग को जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गई। नरसिंहपुर जिले की करेरी तहसील में
पांच साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल के कर्मचारी ने किया दुष्कर्म। परिजनों ने थाने में की है रिपोर्ट। आरोपी गिरफ्तार। समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। वहीं एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। इंदौर में एटीएम पर तोड़फोड़ कर रुपए निकालने का मामला सामने आया। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़क कर वारदात को अंजाम दिया। जवाहर टेकरी इलाके की घटना। जशपुर में ग्रामीणों ने इंजीनियर को गाड़ी से उतारा है। बताया जा रहा है कि लोगों के अनुसार शराब के नशे में इंजीनियर गाड़ी चला रहा था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। महासमुंद में 1,34,00,000 के गांजे के साथ ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। चावल के नीचे 5 क्विंटल गांजा छुपा कर ले जा रहा था। पिथौरा पुलिस ने कार्रवाई की। शक्ति वन विभाग ने अवैध सड़क पर चलाया बुलडोजर। बिना अनुमति पेड़ों की कटाई कर बनाई गई थी सड़क। जयपुर ब्लॉक का मामला। पन्ना में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। खेत में पानी लगाते समय यह हादसा हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के जनकपुर की घटना। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर घर में घुसा। घर के अंदर सो रहे लोग बाल बाल बचे। घटना के बाद मची अफरा तफरी। चरोई डांड गांव की घटना। भिंड में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गोली चली। गोली लगने से सरपंच और उसका भतीजा घायल हो गया। महगांव थाना क्षेत्र के धनौली गांव की घटना। रायपुर के टिकट काउंटर में छात्रों का हंगामा। टिकट काउंटर शुरू करने सीएससीएस के खिलाफ छात्र कर रहे हैं नारेबाजी। 4 बजे के बाद के स्टूडेंट टिकट देने की घोषणा से नाराज हैं छात्र। बिलासपुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से वह हादसा। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के लुहरसी की घटना। इंदौर में घने कोहरे का दिखा असर। इंडिगो फ्लाइट की सुबह नहीं हो पाई लैंडिंग। हैदराबाद इंदौर फ्लाइट ने 1 घंटे आसमान में काटे चक्कर। फ्लाइट को अहमदाबाद करना पड़ा डायवर्ट। अहमदाबाद में लैंडिंग के बाद यात्रियों ने ली राहत की सांस। पखांजूर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया। बैनर हटाने पर खतरे की चेतावनी दी। बैनर के पास आईडी बम प्लांट होने की आशंका जताई जा रही है। परतापुर के संगम मुख्य मार्ग पर यह बैनर लगाया गया। परतापुर थाना क्षेत्र की। बलाई के न्यू कुर्सीपार में हुआ दर्दनाक हादसा। डबरापारा चौक के पास ट्रेलर ने कार को लिया चपेट में। बाल बाल बचे कार सवार। कार सवार तीनों लोगों को आई मामूली चोट। सूरजपुर में नशीली इंजेक्शन का सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने बिहार से आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार में मेडिकल दुकान का यह संचालन किया करता था। बसदई पुलिस ने कार्रवाई की। तेंदुआ का खाल बेचते तस्कर गिरफ्तार। न्यायालय में आरोपी को पेश कर भेजा गया जेल। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक वरुण जैन का कहना तेंदुए को दिया गया था जहर। नरसिंहपुर कोतवाली थाना के अंतर्गत आरक्षक अनिल बिलवंशी ने फांसी लगा ली। अस्पताल स्टाफ नर्स उषा यादव ने घर पर फांसी लगाई। आरक्षक पर नर्स ने पूर्व में भी बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। नरसिंहपुर पुलिस जांच में। कटनी जिले की जीआरपीएफ पुलिस ने शातिर मोबाइल चोर को पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा है, जिसके पास से चोरी के 66 महंगे मोबाइल भी जब्त हुए हैं। अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से ठंड पड़ रही है और आज भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम के एक्टिव होने की जानकारी दी है। भोपाल इंदौर उज्जैन शिवपुरी गुना विदिशा जबलपुर कटनी बालाघाट मंडला खरगोन सीहोर धार देवास में इसका असर दिखा। मिजोंग तूफान का छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा असर। बस्तर रायपुर दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 3 और 4 दिसंबर को मौसम बिगड़ने की संभावना। 3 दिसंबर को बस्तर संभाग में असर दिखने के आसार तो वहीं 4 दिसंबर को रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। देवास में मौसम का मिजाज बदल गया है। इलाके में जोरदार बारिश से ठंड बढ़ गई है। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए। मुरैना में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। जिले भर में हुई भारी बारिश। शहर की गलियों में जगह जगह पर भरा पानी। बेमौसम बारिश से किसान की फसल में लगा मावट। सरसों अरहर चने की फसलों में किसानों को मिलेगा फायदा। इंदौर के जू में अटखेलिया करते शावक नजर आए। शावकों को देखने के लिए जू में एनिमल लवर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। 119 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 3,26,00,000 से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं वोटिंग। बीआरएस के चंद्रशेखर राव है फिलहाल मुख्यमंत्री। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, लिखा मैं तेलंगाना के अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। मतगणना से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मंत्रालय में आज सुबह 11:15 बजे आयोजित होगी कैबिनेट बैठक। बिना एजेंडे के बुलाई गई है कैबिनेट मीटिंग। मंत्रियों को भेजी गई आधिकारिक सूचना। कांग्रेस का मतगणना अभिकर्ता कार्यक्रम, मतगणना अभिकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। 33 जिला मुख्यालयों में दिया जा रहा है ट्रेनिंग। प्रदेश के मास्टर ट्रेनर्स को सौंपी गई है जिम्मेदारी। निर्वाचन आयोग ने की मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति। प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया का करेंगे अवलोकन। मतगणना परिणाम आयोग के सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे अपडेट। प्रत्येक चरण के बाद होगा मतगणना परिणाम अपडेट। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। ग्वालियर में बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। भिंड के अटेर विधानसभा में फर्जी मतदान की शिकायत की गई है। वहीं मतदान केंद्र के 11-12 में फर्जी मतदान की शिकायत बीजेपी ने की। कार्यकर्ताओं ने मतगणना पर रोक लगाने की मांग भी की है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी कांग्रेस को टिकट नहीं मिलने वाले विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद की गई हैं। 1 दिसंबर से 24 विधायकों को सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। कांग्रेस के 22 विधायक और बीजेपी के 2 विधायकों को सुविधा नहीं दी जाएगी। 4 विधायकों का आवास और 20 विधायकों का आवास भत्ता बंद कर दिया गया है। मऊ में भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो हुआ वायरल। शराब की बोतल के साथ झूमते नजर आए नेता। कार में गाना चलाकर शराब के नशे में दिख रहे नेता। IBC24 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। सीएम भूपेश बघेल देखेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ देखेंगे मैच। 90 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहेंगे मौजूद। प्रत्याशियों के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के चलते रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। शाम 4 से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों की नो एंट्री। वहीं स्टेडियम के अंदर शराब, माचिस, लाइटर और पटाखे पर लगाया गया प्रतिबंध। भड़काऊ और संकट पैदा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जबलपुर में शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम के ललपुर के 44 MLG वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में सुधार के साथ साथ ट्रांसफार्मर बदलने का होना है कार्य। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जारी। सर्दी, बुखार, जुकाम और फेफड़ों में जलन जैसे मामलों में कोरोना जैसी मॉनिटरिंग। सभी अस्पतालों को जरूरी सामान की व्यवस्था, स्टाफ, अस्पताल, बेड, जांच सुविधा, दवाओं का स्टॉक रखने के भी निर्देश। बीजापुर में नक्सली को विस्फोटक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली दीवार पोयाम नक्सली दल जनताना सरकार के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत रहा है। वहीं आरोपी पुलिस बल को निशाना बनाने के लिए केतलनार दरभा मार्ग पर IED लगाने की तैयारी में था। खरगोन में अवैध हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। विनायक जाधव और कुणाल राजपूत अरेस्ट। आरोपी रोशन सिकलेगार को भी किया गया गिरफ्तार। कब्जे में 13 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस किए गए जब्त। करीब 1,18,000 रुपए बताई जा रही है जब्त हथियार की कीमत। सारंगढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 पोकलीन मशीन भी जब्त। कलेक्टर फरिया आलम के निर्देश पर लिया गया एक्शन। गुड़हिली, सरसरा, लाला घुरवा में हो रहा था अवैध उत्खनन। कार्रवाई से खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप। जबलपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5,000 बदमाशों पर कानूनी कार्रवाई। इन बदमाशों में 30 को जिला बदर किया गया है जबकि 2 बदमाशों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। इस तरह से 4,500 से ज्यादा अपराधियों पर भी एक्शन लिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने CISF के कांस्टेबल को बर्खास्त किए जाने पर CISF के निदेशक सहित 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि कांस्टेबल को बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। कांस्टेबल भागलपुर जिले के ग्राम खनकिट्टा बिहार का रहने वाला है। अलमपुर जिले के बिजली थाना अंतर्गत ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर 1,74,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है जहां महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई है। महिला ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के राजपुर शहर में एक फर्जी किराएदार ने मकान मालिक के साथ 3 लाख की ठगी कर ली। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है जहां ट्रक की चपेट में कार सवार 3 लड़कियां हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज जारी है। तीनों ही लड़कियां हमीदिया हॉस्टल के PG की बताई जा रही हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 119 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट। 3,26,00,000 से ज्यादा मतदाता कर रहे हैं वोटिंग। BRS के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और BRS के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तेलंगाना में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, लिखा मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों की रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। बीआरएस नेता के कविता ने हैदराबाद में अपने मताधिकार का किया प्रयोग, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और ओवैसी ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया और डाला वोट। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और क्रिकेटर्स ने भी सुबह से ही लाइन में लगकर आम आदमी की तरह अपने मतदान का प्रयोग किया। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ ही जूनियर एनटीआर, सुपरस्टार चिरंजीवी और क्रिकेटर अजरुद्दीन ने भी वोट डाला। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मंत्रालय में आज सुबह 11:15 बजे आयोजित होनी थी कैबिनेट बैठक, बिना एजेंडे के ही कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। वहीं मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भी इसकी पहले भेज दी गई थी। निर्वाचन आयोग ने की मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति, प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया का करेंगे अवलोकन। मतगणना परिणाम आयोग के सॉफ्टवेयर से सीधे किए जाएंगे अपडेट। प्रत्येक चरण के बाद मतगणना परिणाम अपडेट किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत 3 तारीख को होगी। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को टिकट नहीं मिलने वाले विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद। 1 दिसंबर से 24 विधायकों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। कांग्रेस के 22 विधायक और बीजेपी के 2 विधायकों को सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देखेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मुकाबला देखेंगे। 90 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इस दौरान रहेंगे मौजूद। प्रत्याशियों के साथ साथ कई वरिष्ठ नेताओं को गया है निमंत्रण। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के चलते रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रोड मैप। शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों की होगी नो एंट्री। वहीं स्टेडियम के अंदर शराब, माचिस और लाइटर के साथ ही पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध। भड़काव और संकट पैदा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीजापुर में पुलिस ने नक्सली को किया गिरफ्तार। हत्या और आगजनी की घटना में रहा है शामिल नक्सली जनताना सरकार का अध्यक्ष था गिरफ्तार नक्सली। कुट्टू थाना पुलिस ने की कार्रवाई। जबलपुर में शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी बाधित। नगर निगम के लालपुर में 24 एमएलजी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में सुधार के साथ साथ ट्रांसफार्मर बदलने का होगा कार्य। महू में भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो वायरल। शराब की बोतल के साथ झूमते नजर आए नेता। कार में गाना चलाकर शराब के नशे में दिखे नेता। आईबीसी फोन नहीं करता, वायरल वीडियो की पुष्टि। कटनी जिले के थाना सलीमलाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग आदिवासी के साथ आरोपी ने मारपीट की और जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता नाबालिग को जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गया। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक की चपेट में कार आ गई। कार सवार 3 लड़कियां हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज जारी है। इन तीनों लड़कियां हमीदिया हॉस्टल में पीजी की छात्रा बताई जा रही हैं। बिलाईगढ़ में नकली नोट देने के नाम पर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। 15 लाख नकली नोट देने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी से नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। इंदौर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार। ड्रग्स की तस्करी करने की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी के कब्जे से 1 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद। आजाद नगर क्षेत्र का मामला। जशपुर में पुलिस की लापरवाही आई सामने। उड़ीसा की धान का छत्तीसगढ़ में प्रवेश। सीमा के चेकपोस्ट लगने के बाद भी धान छत्तीसगढ़ में पहुंची है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य अधिकारी ने वाहन किया जब्त। 25 क्विंटल अवैध धान की जब्ती की गई। जशपुर में शराब के नशे में इंजीनियर चला रहा था वाहन। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा है इंजीनियर। गांव के लोगों ने गाड़ी रोको, इंजीनियर को गाड़ी से उतारा। बड़ा हादसा टला। महासमुंद में 517 किलो गांजा का परिवहन करते हुए ट्रक जब्त। जब्त गांजे की कीमत 1,34,00,000 रुपए। आरोपी ट्रक में चावल के नीचे छुपा कर ले जा रहा था गांजा। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल का एक्शन। सारंगढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 पोकलेट मशीन किया गया जब्त। कलेक्टर फरीहा आलम के निर्देश पर लिया गया एक्शन। घुड़ेली सरसरा लाल घुरवा में हो रहा था अवैध उत्खनन। कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप। शक्ति में अवैध रूप से बनाई सड़क पर चला वन विभाग का बुलडोजर। सड़क की दोनों ओर से खुदाई पर किया गया ब्लॉक। पेड़ों की कटाई पर बिना अनुमति बनाई गई थी सड़क। जयजयपुर ब्लॉक के चीता पड़िया स्थित वन भूमि का मामला। हापुड़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई। पुलिस ने 400 से ज्यादा साइलेंसर को किया नष्ट। जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलाया गया रोड रोलर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जारी। सर्दी बुखार जुकाम और फेफड़ों में जलन जैसे मामलों में कोरोना जैसी मॉनिटरिंग। सभी अस्पतालों को जरूरी सामान की व्यवस्था। स्टाफ अस्पताल बेड जांच सुविधा और दवाओं का स्टॉक रखने के निर्देश।
इंदौर में कैमरे पर स्प्रे कर एटीएम तोड़ पैसा निकालने के बदमाश बैंक की बड़ी चूक आई सामने। 4.5 लाख रुपए एटीएम में उसी दिन बैंक में डाले गए थे। कैश निकासी के बाद बचे थे 9,000। चंदन नगर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवास में मौसम का मिजाज बदला, इलाके में जोरदार बारिश से बढ़ी ठंड। स्कूलों में के समय में किया गया बदलाव, नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी किया। मुरैना में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, जिले भर में हुई बारिश, शहर की गलियों में जगह-जगह जलभराव की स्थिति। बेमौसम बारिश से किसानों की फसल में लगा मावट, सरसों आहार चने की फसलों में किसानों को मिलेगा फायदा। मिजोंग तूफान का छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा असर, बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 3 और 4 दिसंबर को मौसम बिगड़ने की संभावना। 3 दिसंबर को बस्तर संभाग में असर दिखने के आसार, तो 4 दिसंबर को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई। अंडमान सागर के ऊपर बना है निम्न दबाव का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। आज भी प्रदेश के कई जिलों में छाया रहेगा कोहरा और बादल। मौसम विभाग ने एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम के एक्टिव होने की दी जानकारी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, गुना, विदिशा, जबलपुर के साथ ही कटनी, बालाघाट, मंडला, खरगोन, सीहोर और धार के में दिखेगा असर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 119 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 3,26,00,000 से भी अधिक मतदाता वोटिंग करेंगे। बीआरएस के चंद्रशेखर राव अभी मुख्यमंत्री हैं यहां पर। कांग्रेस और बीजेपी भी चुनावी मैदान में जटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। बीआरएस नेता के कविता ने हैदराबाद में अपना मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने मतदान का प्रयोग किया। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और क्रिकेटर ने भी सुबह से ही लाइन में लगकर आम आदमी की तरह मतदान का प्रयोग किया। फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, सुपरस्टार चिरंजीवी और क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने भी वोट डाला। मतगणना से पहले सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। मंत्रालय में आज सुबह 11:15 पर यह बैठक आयोजित की गई। बैठक बिना एजेंडे की बुलाई गई थी और मंत्रियों को आधिकारिक सूचना भेजी गई। निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। प्रेक्षक मतगणना प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे। मतगणना परिणाम आयोग के सॉफ्टवेयर से किए जाएंगे अपडेट और प्रत्येक चरण के बाद मतगणना परिणाम अपडेट होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी कांग्रेस को टिकट नहीं मिलने वाले विधायकों की सरकारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। 1 दिसंबर से 24 विधायकों को अब ये सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। कांग्रेस के 22 विधायक और बीजेपी के 2 विधायकों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। 4 विधायकों का आवास और 20 विधायकों का आवास भत्ता बंद कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल भारत ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच देखेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ वो मैच का आनंद लेंगे। 90 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रत्याशी के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं को भी न्योता दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के चलते रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने रोड मैप जारी किया है। शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मालवाहक वाहनों को नो एंट्री है। शराब, माचिस, लाइटर, पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया। भड़काव और संकट पैदा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर में पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। हत्या और आगजनी की घटना में शामिल रहा नक्सली जनताना सरकार का अध्यक्ष था। कुटरू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। जबलपुर में शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम के ललपुर के 44 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मेन राइजिंग लाइन में सुधार के साथ साथ ट्रांसफार्मर बदलने का काम होना है। मऊ में भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो वायरल हुआ है। शराब की बोतल के साथ ये झूमते नजर आए हैं नेता और कार में गाना चलाकर शराब के नशे में नेता नजर आए हैं। F24 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कटनी जिले के थाना सलीमनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग आदिवासी के साथ आरोपी ने मारपीट की और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता नाबालिग को जंगल में छोड़कर मौके से फरार भी हो गई। भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में कार सवार 3 लड़कियां और सहित हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज जारी है। तीनों लड़कियां हमीदी अस्पताल में पीजी की छात्रा बताई जा रही है।
भिलाईगढ़ में नकली नोट देने के नाम पर ठगी की गई है, दो आरोपी गिरफ्तार किए गए, दो आरोपी फरार हो गए, 15 लाख नकली नोट देने के नाम पर ठगी हुई है, आरोपियों से नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त किया गया। इंदौर में युवाओं को नशे की लत लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है, ड्रग्स की तस्करी करने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी के कब्जे से 1 लाख की ब्राउन शुगर बरामद हुई है, आजाद नगर क्षेत्र का मामला है। जशपुर में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, ओडिशा के धान का छत्तीसगढ़ में प्रवेश, सीमा में चेक पोस्ट लगने के बाद भी धान छत्तीसगढ़ आई, मुखबिर की सूचना पर खाद्य विभाग के अधिकारी ने वाहन को जब्त किया, 25 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया। देवास में मौसम का मिजाज बदल गया है, इलाके में जोरदार बारिश से ठंड बढ़ गई है, स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से लगेंगे, कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने जहर पिलाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति सुदर्शन महंत को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सूरजपुर में नशीले इंजेक्शन का सप्लायर गिरफ्तार किया गया है, पुलिस टीम ने बिहार से आरोपी को गिरफ्तार किया, बिहार में मेडिकल दुकान का ये संचालक है, बसदेव पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जशपुर में शराब के नशे में इंजीनियर वाहन चला रहा था, भारत माला प्रोजेक्ट से ये इंजीनियर जुड़ा हुआ है, गांव के लोगों ने गाड़ी रोका, इंजीनियर को गाड़ी से उतारा और इस वजह से बड़ा हादसा चल गया। महासमुंद में 517 किलो गांजे का परिवहन करते हुए ट्रक को जब्त किया गया, जब्त गांजे की कीमत 1,34,00,000 रुपए बताई जा रही है, आरोपी ट्रक में चावल के नीचे गांजा छुपा कर ले जा रहा था, पिथौरा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई की। सारंगढ़ में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, 3 पोकलैंड मशीन को जब्त किया है, कलेक्टर फरीहा आलम के निर्देश पर कार्रवाई हुई, गुड़ेली सरसरा लाला धुरवा में अवैध उत्खनन हो रहा था, कार्रवाई से खनिज माफिया में हड़कंप मच गया। शक्ति में अवैध रूप से सड़क बनाई गई सड़क पर वन विभाग ने बुलडोजर चलाया, सड़क की दोनों ओर से खुदाई करके उसे ब्लॉक किया गया, पेड़ों की कटाई कर बिना अनुमति ये सड़क बनाई गई थी, जयपुर ब्लॉक के छिता पड़रिया वन भूमि का ये मामला है। हापुड़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई की गई, पुलिस ने 400 से भी ज्यादा साइलेंसर को नष्ट किया, जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सर्दी बुखार जुकाम फेफड़ों में जलन जैसे मामलों में कोरोना जैसी मॉनिटरिंग निर्धारित की गई है, सभी अस्पतालों को जरूरी सामान की व्यवस्था करने को कहा है, स्टाफ अस्पताल बेड जांच सुविधा दवाओं के लिए भी स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिया गया। इंदौर में कैमरे पर स्प्रे कर एटीएम तोड़कर पैसा निकाल कर बदमाश ले गए, बैंक की बड़ी चूक सामने आई है, 4.5 लाख रुपए एटीएम में उसी दिन बैंक ने डाले थे, कैश निकासी के बाद 9,000 रुपए बचे हुए थे, चंदन नगर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मुरैना में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है, जिले भर में बारिश हुई है और शहर की गलियों में जगह जगह पर पानी भर गया, बेमौसम बारिश से किसान की फसल में लगा मावठा मावट और सरसों आहर अरहर चने की फसलों में किसानों को फायदा मिलेगा। मिचौंग तूफान का छत्तीसगढ़ पर असर पड़ेगा, बस्तर रायपुर दुर्ग और बिलासपुर संभाग में 3 और 4 दिसंबर को मौसम बिगड़ने की संभावना है, 3 दिसंबर को बस्तर संभाग में असर देखने को मिल सकता है, 4 दिसंबर को रायपुर बिलासपुर दुर्ग संभाग में बारिश की संभावना है, अंडमान सागर के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आज भी प्रदेश के कई जिलों में छाया रहेगा, कोहरा और बादल, मौसम विभाग ने एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम के एक्टिव होने की जानकारी दी है, भोपाल इंदौर उज्जैन शिवपुरी गुना विदिशा जबलपुर कटनी बालाघाट मंडला खरगोन सीहोर धार देवास में इसका असर दिखेगा।